कि ब्लॉगिंग इज डेड, ब्लॉगिंग से पैसे नहीं कमाए जा सकते। ब्लॉगिंग इज डेड, डेड। आप भी 2024 में ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो ये 10 बातें आपको जाननी ही पड़ेगी अगर आप फेल नहीं होना चाहते हैं। तो पहला बात ये है कि ब्लॉगिंग स्टार्ट करने से पहले आप ऐसा दोस्त जरूर बनाइए जिसको थोड़ा सा कोडिंग आता हो या बेसिकली वेबसाइट के बारे में कोडिंग करने के लिए जानता हो या वेबसाइट डिजाइन करने भी जानता हो। दूसरा बात यह है कि आपको इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा इसमें, कम से कम 5,000 से 10,000 रुपया इन्वेस्ट करने की ताकत रखना पड़ेगा, तब जा करके आप अच्छा कर पाइएगा ब्लॉगिंग में। तीसरा बात यह है कि आपको कंटेंट लिखने में मजा आना चाहिए, जैसे आप स्कूल में ऐसे लिखते थे उसी तरह कंटेंट आपको सिंपली लिखते जाना है, लिखते जाना है। यानी कि कम से कम 100 ऐसे लिखना पड़ेगा, आसान भाषा में कहें तो ऐसे ही बस रहता है, उसमें थोड़ा मोड़ा लिंक रहता है, वो आप सीख ही जाइएगा करते करते। तीसरा बात यह है कि आप जैसे इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं वैसा 10 स्टोरी मतलब एक स्टोरी के बराबर है गूगल पे, तो वैसा आपको 10 स्टोरी 10 × 10 आपको 100 स्टोरी बनाने पड़ेंगे पर डे के, तब जाके आप ब्लॉगिंग में ज़्यादा सक्सेसफुल, कम टाइम में ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाइएगा। पांचवा बात यह है कि आपको डेडिकेशन के साथ कम से कम 5 घंटा अपने कंप्यूटर पर बैठ के लिखना, टाइपिंग करना और नए नए चीज़ें सीखते रहना पड़ेगा। छठा बात यह है कि आपको अपने मार्केट को एनालाइज करना पड़ेगा, आप जिस नीश पे बनाना चाहते हैं, ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, उस पे आपको टिके रहना है। ये नहीं कि आप टेक्नोलॉजी पे लिख रहे हैं कुछ दिन बाद योजना पे चल गए हैं, कुछ दिन बाद रिलेटेड लोन पे चल गए हैं, उस टाइप पे आपको नहीं करना है। आपको सिंपली आपको एक ही नीश को पकड़े हुए रहना है, कम से कम 6 महीने तो आपको एक ही नीश पे टिके रहना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आपको अपना राइटिंग को बढ़ाना पड़ेगा, ब्लॉगिंग को जो है उसको आपको इन्हेंस करना पड़ेगा। कम से कम अगर आप 2 टॉपिक भी साथ में लेकर चलते हैं, जैसे मैं योजना पे करता हूँ और एक टेप पे करता हूँ, अगर मैं टेप और योजना को साथ में लेकर चलता हूँ तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर टेप में अच्छा हुआ तो टेप को पकड़ लेंगे, फिर अगर योजना में अच्छा कर पाए तो उसको फिर पकड़ के आगे बढ़ जाएंगे। तो आपको कम से कम 2 नीश पे आपको टिके रहना है, ये ना कि मल्टी नीश पे चले गए, बहुत सारा न्यूज़ दिया जैसा कवर कर रहे हो, ऐसा मत करिएगा। छठा बात यह है कि आपको न्यूज़ चैनल पे जाना ही नहीं है, न्यूज़ नीश पे आपको बनाना ही नहीं है। अगर आप न्यूज़ नीश पे बनाएंगे तो आपको बहुत चांस है कि आप डीमोटिवेट होकर के छोड़ देंगे ब्लॉगिंग, क्योंकि उसमें कम से कम 10 पोस्ट पर डे का होना चाहिए, 10 से 12 पोस्ट, 15 पोस्ट हम देखते हैं पर डे का लोग न्यूज़ नीश पे डालते रहते हैं। तो आप पे निर्भर करता है कि आप कितना मेहनत करते हैं। अगर आप 1 घंटा में 1 ऐसे लिखते हैं तो आपको कम से कम 10 घंटा लगेगा 10 ऐसे लिखने में, तो आप अकेले आप नहीं कर सकते हैं, आप न्यूज़ नीश पे अकेले काम नहीं कर सकते हैं, तो इस पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सातवां बात यह है कि आपको कम से कम अपना नीश पे उसका मल्टी नीश भी ढूंढना है और उसको सब नीश भी ढूंढते रहना है कि अच्छा इस पे और क्या हो सकता है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर हम बनाना चाहें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में मोबाइल भी आता है, फिर लाइट भी आता है, बल्ब भी आ सकता है, या जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ्रिज कूलर जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स है वो भी आ सकता है, तो आप सब नीश पे भी काम कर सकते हैं, आसानी से आप सक्सेसफुल हो पाइएगा। आठवां बात यह है कि साथ जुड़े रहना, अपने कम्युनिटी में एक्टिव रहना है, तो आपका जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है आपका कम्युनिटी का, उसके साथ आपको जुड़े रहना है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें आप कमेंट कीजिए, कोई ना कोई आपको सोल्यूशन जरूर दे देगा। तो इससे होगा ये कि आपका टाइम बच जाएगा, आप जो रिसर्च करने में लगाइएगा, यूट्यूब पे देखिएगा, फिर उसको रिसर्च करिएगा, फिर एडसेंस आप कैसे अप्रूवल लेना है उसके बारे में सर्च करना है। तो अगर आप ऐसा कोई कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं जिसमें बहुत सारे लोग एडसेंस अप्रूवल करा चुके हैं बहुत से लोग, तो आप उसमें सिर्फ कमेंट करिएगा कि भैया हमको एडसेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, थोड़ा एडसेंस समझ में नहीं आ रहा कैसे लेना है, तो सिर्फ आप कमेंट करिएगा, आपको बहुत सारा आंसर मिल जाएगा कि भैया मैं आपको कर देता हूँ, मैं आपको हेल्प कर देता हूँ, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो इससे आपका टाइम बहुत बच जाएगा और जल्दी से सक्सेसफुल हो पाइएगा। आठवां बात यह है कि आपको लोगों के साथ अच्छा कनेक्शन रखना है, अच्छा मतलब व्यवहार करने का मतलब कि आपको 10 आर्टिकल लिख लिया भाव नहीं खाने लगना कि 10 आर्टिकल लिख लिया अब आपको बेचना है, अब एडसेंस वो लेना है, ऐसा नहीं, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। दसवां बात यह है कि आपको कम से कम कुछ लोगों को जरूर फॉलो करके रखना है इंस्टाग्राम पे और हर जगह जहाँ पे सोशल मीडिया, वहाँ पे आपको अपना जो नीश पे बना रहे हैं उससे रिलेटेड जो पोस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे या टेक पे हम बनाते हैं, तो टेक से रिलेटेड जितने भी कंपनी है सबको
सोशल मीडिया फॉलो जरूर कर लेना, इससे नया जो कुछ उनका प्रोडक्ट आने वाला होगा ना उनके बारे में आपको जल्दी से पता चल जाएगा, इससे कि आप रिसर्च करने से बच जाएगा कि अच्छा आज किस पे लिखना है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि इस कंपनी का नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ, तो आप उस पर जल्दी से लिख पाइएगा, बहुत जल्दी से जल्दी आप काम कर पाइएगा। और दसवां बात ये ना, या कहीं से ट्रैफिक लाने के बारे में सोचना है, ये नहीं कि आप पोस्ट तो लिख दिए उस पर ट्रैफिक ही नहीं आ रहा, ट्रैफिक लाने पे भी देखना है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये मेरा